हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं कार की फुल सर्विस के बारे में, और फुल पेड सर्विस कैसे की जाती है और क्या क्या चेक किया जाता है, ये सब हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। और दोस्तों जुड़े रहिए हमारे अकरम कार टेक्निकल चैनल के साथ। और वीडियो देखने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। और ये देख लीजिए, हमारे पास स्विफ्ट डिज़ायर VXI कार आई है और इसकी हम फुल पेड सर्विस करने वाले हैं। और दिखाएंगे हम दोस्तों इसमें आपको क्या क्या हमने इसमें जो है काम करना है, और क्या क्या चीज़ें इसमें चेंज करनी है, और क्या चीज़ें इसमें क्लीनिंग करनी है, और क्या क्या और काम हमने इसमें करना है, एक एक चीज़ हम वीडियो में आपको दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो पूरी देखें हमारी, तभी आपको समझ में आएगा। और ये देख लीजिए दोस्तों, हमने कार को अपनी लिफ्ट में लगा करके और पूरा ऊपर को उठा दिया। और ये देख लीजिए, इसमें जो है हम पहले इसका जो है सस्पेंशन वगैरह, चिमटे वगैरह सब चेक करने वाले हैं। सस्पेंशन वगैरह चेक करने के बाद इसके कैलीपर पिन वगैरह भी हम चेक करेंगे। और कैलीपर पिन वगैरह चेक करने के बाद फिर इसकी हम सर्विस का काम चालू करेंगे। और ये देख लीजिए, इसके कैलीपर असम्बलियाँ हैं, कैलीपर बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है दोस्तों, कोई इसमें पिले नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि कैलीपर पिने में अगर पिले आ जाती है और कटी होती है तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जो है ये नॉइज़ बहुत ही ज़्यादा आवाज़ करती है। और अब हम जो है दोस्तों इसकी सर्विस करने वाले हैं, और सर्विस में क्या क्या हमने इसमें चेंज करना है ये भी हम आपको दिखाएंगे। और ये देख लीजिए, हमने इसका चैम्बर का नट जो है लूज़ कर दिया है। लूज करने के बाद अब इसका हम एक ट्रे में जो है इंजन ऑयल निकाल रहे हैं। और ये देख लीजिए दोस्तों, पेट्रोल कार है हमारी, काफ़ी जो है सर्विस लेट हो चुकी है, 10,000 किलोमीटर वाली हम जो है इसमें सर्विस कर रहे हैं। और क्या क्या हमने इसमें चेंज करना है ये भी हम आपको दिखाएंगे। ये इंजन ऑयल फिल्टर खोल करके जो है हम इसको अलग कर देते हैं। और इसको अलग करने के बाद दोस्तों ये देख लीजिए, लिफ्ट को मैंने डाउन करके उससे गाड़ी को नीचे करके और मैंने इसके चारों टायर जो है खोल दिए हैं। चारों टायर खोलने का दोस्तों रीज़न हमारा ये रहता है कि हम इसके चारों ब्रेक जो है हमने इसके क्लीन करने हैं, ब्रेक पैड और पिछले ब्रेक शू वगैरह हमने इसके जो है क्लीन कर देने हैं। और ये देख लीजिए दोस्तों, इसके सस्पेंशन आर्म वगैरह, इसका सस्पेंशन बिल्कुल ओके है, सस्पेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने एक एक चीज़ इसकी जो है चेक करके देख ली है सस्पेंशन में। और अब हम जो इसके कैलीपर असेंबली का 12 नंबर का जो स्क्रू होता है वो खोल करके इसके ब्रेक पैड हटाएंगे। और ब्रेक पैड हटाने के बाद ये देख लीजिए, हम इसके अब ब्रेक माल से अच्छे से सफाई करेंगे। और सफाई करने के बाद इसको दिखाएंगे हम किस तरह से जो है ये फिट किए जाते हैं। और ये देख लीजिए, ये दोस्तों जो आप ये अंदर की तरफ ब्रेक पैड लगा था और ये बाहर की तरफ, लेकिन दोस्तों ये गलत ब्रेक पैड लगा रखे थे जिसने भी लगा रखे थे। ये ब्रेक पैड जो लगाते हैं जिसमें दो निशान दिख रहे थे आपको, वो अंदर की तरफ आता है और ये बाहर की तरफ आता है। और एक पत्ती वाला ब्रेक पैड भी आता है दोस्तों, वो भी अंदर की तरफ से आता है, क्योंकि वो सिग्नल के लिए होता है। अगर आपके कार के ब्रेक पैड 1.5 mm या 2 mm के आसपास अगर उसकी थिकनेस हो जाए तो वो सिग्नल देना डिस्क पे शुरू कर देता है। और दोनों तरफ के जो है दोस्तों हमने फ्रंट ब्रेक पैड जो है क्लीन कर दिए हैं। और क्लीन करने के बाद हम इसका रियर जो है इसका ड्रम खोल करके, रियर ड्रम खोल करके और इसके ब्रेक शू क्लीन करने वाले हैं। देख लीजिए आप, इसका ड्रम को जो है हम बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद इसके ब्रेक शू वगैरह हम चेक करते हैं। ब्रेक शू तो दोस्तों काफ़ी अभी ज़्यादा ओके हैं बिल्कुल। और इसमें हम एक बार रेगमाल से अच्छे से सफाई करके, एयर का प्रेशर लगा करके इसकी अच्छे से सफाई करने वाले हैं। देख लीजिए यहाँ पर ड्रम में भी हल्का सा दोस्तों इसमें रेगमाल मार देंगे। और जो इसका व्हील सिलेंडर होते हैं दोस्तों, व्हील सिलेंडर हम एक पेचकस की सहायता से ब्रेक शू को दबा करके व्हील सिलेंडर भी हमने इसके चेक करने हैं, ताकि व्हील सिलेंडर इसके जाम ना हो। और हमने दोस्तों चारों जो है इसके ब्रेक, ये देख लीजिए, बिल्कुल एकदम क्लीन कर दिए हैं। ब्रेक क्लीन करने के बाद जो है इसके बाद हम चारों टायर लगा देंगे, क्योंकि हमारा टायर का और कोई काम इसमें नहीं है, इसलिए हमने टायर लगा करके पूरी जो है इसके टायर की पूरी फिटिंग कर देनी है। सस्पेंशन में और कुछ हमने चेक सब कुछ चेक करा, लेकिन चेंज कुछ नहीं करना है, क्योंकि सस्पेंशन बिल्कुल ओके है। लेकिन पेड सर्विस में दोस्तों जनरल चेकअप वगैरह सब गाड़ी का मारा जाता है, और क्या क्या काम किया जाता है मैं एक एक चीज़ आपको दिखा रहा हूँ। ये देख लीजिए, लिफ्ट उठा करके कार को हम पहले जो है और ऊपर उठा देते हैं, क्योंकि हमने अब चैम्बर का नट इसमें लगाना है और ऑयल फिल्टर वगैरह भी इसमें जो है नया लगाना है। और इसके एक बार सारे नट बोल्ट वगैरह भी हमने नीचे से सब चेक करना है, कहीं से लगा तो नहीं। और ये देख लीजिए, ये इसका ऑयल फिल्टर जो है टाइट कर रहे हैं। और ये चैम्बर का जो है ड्रेन नट जो हमने निकाला था वो भी हम इसको अब टाइट कर रहे हैं। और इसका नीचे से पूरा दोस्तों हमने एक बार पूरा जनरल चेकअप मार देना है। इसके नट बोल्ट वगैरह जो भी हैं सब एक बार चेक कर लेने हैं, कोई लूज पॉइंट वगैरह तो नहीं है। और ये देख लीजिए, हमने इसकी एक एक चीज़ जो है इसकी
चेक कर लिए। और चेक करने के बाद दोस्तों अब हम कार को जो है अपनी नीचे कर रहे हैं। नीचे करने के बाद इसमें अब आगे से हमने इंजन में से काम करना है, इसका एयर फिल्टर जो है खोलना है, स्पार्क प्लग वगैरह भी चेक करने हैं। और ये देख लीजिए, सर्विस करने से पहले दोस्तों खास कर एक चीज़ आपने ध्यान देना है कि बैटरी की निगेटिव टर्मिनल हमेशा आपने खोल देनी है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रिकल फॉल्ट वगैरह इसके ईसीएम की जो मेमोरी में ना रह जाए। अगर ईसीएम की मेमोरी में इलेक्ट्रिकल कोई फॉल्ट रह जाता है तो वो आपको मीटर पर सिग्नल देना शुरू कर देता है। और ये देख लीजिए, इसका एयर फिल्टर हमने बाहर कर देना है। ये देख लीजिए, काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट है, लेकिन हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन हमने जो है इसका ये नया डालने हैं। और इसके स्पार्क प्लग भी हम खोलने वाले हैं, स्पार्क प्लग खोल करके हम आपको दिखाएंगे एक एक करके। ये देख लीजिए दोस्तों, चारों इग्निशन कॉइल मैंने खोल करके आउट कर दिए, बाहर कर दिए। और बाहर करने के बाद इसके स्पार्क प्लग जो है खोलने हैं, और स्पार्क प्लग खोलने के बाद चारों स्पार्क प्लग जो है मैं इसके खोल करके चेक करूँगा क्या कंडीशन है इसकी। दोस्तों स्पार्क प्लग मैंने खोल दिए, स्पार्क प्लग अभी बिल्कुल एकदम ओके कंडीशन में है, ठीक है। इसकी हल्की सफाई करके और एयर का प्रेशर वगैरह मार करके जो है मुझे कम्प्लीट जो है फिट कर देना है। और ये देख लीजिए दोस्तों, एक दो बार में जो है इसमें सेल्फ मार करके इसके जो अंदर की डस्ट होती है, कार्बन वगैरह जो होता है इंजन के पिस्टनों में जमा हुआ, वो सारा बाहर कर दूंगा सेल्फ लगा करके। ये देख लीजिए, मैंने स्पार्क प्लग जो है चारों क्लीन कर दिए हैं, सफाई करके एयर का प्रेशर मार के जो है इसको अब मैं फिट करने वाला हूँ। फिट करने के बाद इग्निशन कॉइल वगैरह भी मैंने जो है दोस्तों इसमें लगा दिए, और इसको अच्छे से टाइट करके, और अब मुझे जो है इंजन ऑयल भी इसमें डालना है। और ये देख लीजिए, मारुति का जेनवन इंजन ऑयल मैंने 5W30 लिया है, क्योंकि पेट्रोल गाड़ी में दोस्तों 5W30 इंजन ऑयल का जो ग्रेड होता है वो आता है, और डीजल गाड़ी में जो आता है 15W40 ग्रेड आता है। और मैं इसका इंजन ऑयल डालने वाला हूँ। और इंजन ऑयल की जो कैपेसिटी होती है दोस्तों, इसमें 3.2 यानी 3 लीटर 200 ग्राम इंजन ऑयल आता है, जिसमें कि मैंने इसमें 3 लीटर की कैन ली, और 200 ग्राम जो है मैं इसमें खुला हुआ इंजन ऑयल डालने वाला हूँ। और ये देख लीजिए, 3 लीटर मैंने इंजन ऑयल पूरा डाल दिया, 200 ग्राम में खुला हुआ, इसमें डाल करके पूरा कंप्लीट जो है इसकी गैस चेक करूँगा। और ये एयर फिल्टर मैंने नया लगा दिया है। और दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें जो है एयर फिल्टर मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया, लेकिन इसका थोटल बॉडी वगैरह क्लीन मैंने इसलिए नहीं की, क्योंकि पिछले सर्विस में इसकी थोटल बॉडी क्लीन वगैरह हुई भी है, कस्टमर ने बताया। और इसका ब्रेक ऑयल हमने चेक करा, और ये देख लीजिए कूलेंट ये फुल और नीचे लो लिखा होता है, और कूलेंट इसका दोस्तों अभी पूरा है। और ये देख लीजिए, रेडिएटर का कैप खोलकर भी मैं चेक कर रहा हूँ इसका कूलेंट। रेडिएटर का कैप खोलने के बाद दोस्तों ये देख लीजिए, रेडिएटर में भी कूलेंट जो है पूरा है। खासकर गर्मियों के दिन है दोस्तों, और कार में कूलेंट होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्तों एक चीज़ ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये जो है वाइपर वाली जो इसकी बोतल होती है, इसमें एक स्क्रीन वॉश आता है। ये देख लीजिए, आप कभी भी आप इसमें शैम्पू वगैरह ना डालें, क्योंकि शैम्पू में जो होता है दोस्तों ज़्यादा मोटा होता है, और झाग बनने से क्या होता है इसकी मोटर ख़राब कर देता है। इसलिए इसमें आप स्क्रीन वॉश वगैरह डालें। स्क्रीन वॉश डालने के बाद इसमें पानी से हम इसको पूरा भर देंगे, पूरा कंप्लीट हमने जो है इसको लगा दिया। लगाने के बाद अब इसकी हम बैटरी का पानी वगैरह भी हमने चेक करना है। बैटरी का पानी भी दोस्तों देख लीजिए आप, पूरा है। बैटरी का पानी वगैरह चेक करने के बाद अब हम जो है इसका बैटरी के टर्मिनल वगैरह लगा करके इसको टाइट कर देंगे। और ये देख लीजिए, इसके कैप भी हमने लगा दिए हैं, और ये बैटरी के टर्मिनल लगा करके इसको अच्छे से हमने टाइट कर देना है। टाइट करने के बाद इसका आगे का काम भी क्या करना है हमने, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ इस वीडियो में, पूरी देखते रहिए दोस्तों वीडियो, जब भी आपकी समझ में आएगा। और ये देख लीजिए, ये इसकी गेज भी इसकी पूरी हो चुकी है, 3 लीटर 200 ग्राम जो है मैंने इसमें इंजन ऑयल डाल दिया है, और 3 लीटर 200 ग्राम इंजन ऑयल डालने के बाद मैंने इसकी गेज जो है बिठा दी है। गेज बिठाने के बाद अब मैं जो है मैंने इसका कूलेंट, ब्रेक ऑयल, बैटरी का पानी और भी ड्राइव बेल्ट वगैरह और भी सारी चीज़ें दोस्तों मैंने इसकी चेक कर दिया। मैं पूरी लिफ्ट से कार को अपनी हटा करके लिफ्ट साइड कर दूंगा, और लिफ्ट साइड करने के बाद जो है मुझे कार के अपनी हेड लाइट वगैरह भी अभी चेक करनी है। दोस्तों ये हैंड ब्रेक लगाकर फर्स्ट गियर मैंने इसलिए डाला है, क्योंकि मैं इसके टायर टाइट करने वाला हूँ। और अब मैंने टायर इसके टाइट करके अब हैंड न्यूट्रल करने के बाद जो है कार की स्टार्ट कर देनी है। और स्टार्ट करने के बाद इसकी हेडलाइट वगैरह भी मैंने चेक करनी है, रिवर्स गियर वाली भी लाइटें चेक करनी है, ब्रेक लाइटें वगैरह भी सब चेक करनी है। कस्टमर की कंप्लेंट आ रही है कि एक लाइट में इसकी प्रॉब्लम आ रही है, और वो भी मुझे चेक करना है। ये देख लीजिए, तो हेडलाइट में जो है इसके मैं चेक कर रहा हूँ, तो ये फ्रंट राइट साइड की जो हेडलाइट है दोस्तों, ये हाई बीम पर जो इसका बल्ब नहीं जल रहा है, यानी एक फ्यूज़ जो है इसका ख़राब हो रखा है, तो इसका
बल्ब भी मैंने चेंज करना है, आप देख लीजिए। और मैं आपको बल्ब निकाल करके भी दिखाऊंगा। और ये देख लीजिए, ये बैक गियर वगैरह की भी मैंने लाइटें चेक करनी है। पहले ये बल्ब चेंज कर देता हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, ये मैंने बल्ब निकाला है इसका, और नया बल्ब जो है इसमें मैं लगाने वाला हूँ। ये नया बल्ब देख लीजिए मैंने ले लिया है, और इसको अब मैं फिट करता हूँ। और फिट करने के बाद फिर आपको हेडलाइट वगैरह भी जला करके दिखाऊंगा, इसकी रिवर्स गियर वगैरह और बैक गियर की लाइटें भी दिखानी है। ये देख लीजिए, फॉग लैम्प, इंडिकेटर, हेडलाइट, डिपर वगैरह मारने में बिल्कुल हमारी ओके है दोस्तों। एक सर्विस में ये बेसिक सी चीज़ें होती है जो हमने चेक करनी होती हैं। ये देख लीजिए, रिवर्स गियर की लाइटें भी जल रही है, इंडिकेटर भी जल रहे हैं, और ब्रेक मारने पर ब्रेक लाइटें भी जो है इसकी जल रही हैं, फर्स्ट क्लास है। तो दोस्तों ये एक बेसिक सी चीज़ें जो है हमने चेक करनी होती हैं, क्योंकि लाइटें वगैरह ये सब सर्विस में हमने जो है चेक करनी होती है। क्योंकि कस्टमर को, जब हम कस्टमर का जो है हैंड ओवर अगर कार करें और इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए, तो बहुत ज़्यादा मतलब बेकार सी फीलिंग आती है कस्टमर जब कंप्लेंट करता है। तो इसलिए हमने एक एक चीज़ जो है इसकी चेक कर देनी है। वाइपर वगैरह भी हमने जो है इसका चेक कर दिए। अब जो है हम इसके लिफ्टर हटा करके आउट कर देते हैं, और लिफ्टर हटा कर जो है हम गाड़ी को आगे कर देते हैं। थोड़ा सा हमने स्टार्ट करके गाड़ी आगे कर देनी है, क्योंकि सबसे मेन काम जो अभी इसमें रह गया है कस्टमर की, कि दोस्तों कंप्लेंट नहीं थी, लेकिन हम फिर भी उसको आपको दिखाएंगे कि सबसे मेन काम अभी क्या रह गया है इसमें। अभी सर्विस जो है अभी हमारी प्रॉपर हुई नहीं है। सबसे मेन काम ये देख लीजिए जो मैं निकालने वाला हूँ, इसका एसी फिल्टर। गर्मियों के दिन है दोस्तों, और कस्टमर जो है कूलिंग बहुत ज़बरदस्त गाड़ी की मांगता है, और कस्टमर की कंप्लेंट नहीं है कि ब्लोअर में कोई प्रॉब्लम है उसको, या कूलिंग में कोई प्रॉब्लम है, या फैन में कोई प्रॉब्लम है। लेकिन हमारा जो है पेट सर्विस में फ़र्ज बनता है कि हम इसके एक एक चीज़ हम चेक करो। ये देख लीजिए, मैं इसका एसी फिल्टर बाहर निकाल रहा हूँ, और एसी फिल्टर में बहुत ही ज़्यादा कचरा है, और ये सब चूहों की हरकतें हैं। आप देख लीजिए किस तरह से जो है इसमें इतना ज़्यादा कचरा आया हुआ है। ये सब चूहे जो होते हैं दोस्तों खाते पीते, और बाहर से जो है सारा कचरा ला करके और आराम से एसी फिल्टर पे ला करके रख देते हैं, ताकि गर्मियों के दिन और कस्टमर गर्मी से परेशान रहें। और ये देख लीजिए, इसका ब्लोअर अंदर से साफ है दोस्तों, लेकिन एसी फिल्टर लगाने का सबसे बड़ा फ़ायदा यही होता है कि जितना भी बाहर का जो डस्ट वगैरह या कचरा वगैरह आता है, वो आराम से एसी फिल्टर के ऊपर आगे रखा जाता है। और अब हम इसमें नया एसी फिल्टर फिट करने वाले हैं। नया एसी फिल्टर फिट करने के बाद जो है कार का जो है हम एसी और ब्लोअर वगैरह भी चेक कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी जो है ब्लोअर की हवा आ रही है दोस्तों, और कूलिंग भी काफ़ी अच्छी जो है हमारी कर रही है। और ये देख लीजिए ब्लोअर कितनी हाई स्पीड में जो है, फुल स्पीड में मैंने चला रखा है इसको। और ये एसी ऑफ़ कर दिया है मैंने। एसी ऑफ़ करने के बाद एसी फिल्टर लगा करके उसका कवर बिठा करके इसको आराम से मैं जो है कम्प्लीटली फिट कर देना है। और दोस्तों ये गाड़ी की लगभग हमारी पूरी सर्विसिंग हो चुकी है। अब मेन चीज़ जो इसकी रह गई है दोस्तों, वॉशिंग। क्योंकि गाड़ी की आप फुल सर्विस कर देते हैं, लेकिन कार अगर आपकी वॉश ना हो और गंदी हो, तो लगता ही नहीं है दोस्तों कि गाड़ी की हमारी जो है सर्विसिंग हुई है। अब हम इसको वॉशिंग के लिए लगा देते हैं। और दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें।